एवरी वन वेलकम बैक टू एम एस व्लॉग्स तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे अच्छे होंगे तो कहा आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चे आए हैं अभी स्कूल से तो चलिए उनसे पूछते हैं कि आज उनको क्या खाना है तो बस उनके लिए वही बनाते हैं तो चलिए पूछते हैं बच्चों से कि क्या खाएंगे बच्चे आज तो यहाँ पे इनकी चल रही है टीवी मान भी लेट गई आज इसको जुखाम हो गया है क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी रात को मानते हैं नहीं ये लोग और कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी क्या खाना है अभी बताओ क्या बनाओ जल्दी बताओ फटाफट से दही बल्ले ठीक है वंश को क्या खाना है दही बल्ले, दही बल्ले? ओके तो गाय चलिए बच्चों के लिए अब बनाते हैं दही भल्ले तो फाइनली आप लोग रेसिपी पूरी वॉच करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को बढ़ाते रहिए सपोर्ट करते रहिए चलिए बना लेते हैं दही बल्ले। तो गाय बच्चे ना वैसे भी कई दिन से कह रहे थे कि मम्मी दही बल्ले खाने हैं तो मैंने ना रात को ही भिगो के रख दी थी दाल और मुझे पता था बच्चों की फरमाइश कई दिन से चल रही है दही, दही बल्ले से दही बल्ले तो मैंने कहा चलो बना देते हैं तो मैंने पूछ ही लिया कि बेटा क्या खाओगे क्योंकि मैं जब भी पूछ रही हूँ मम्मी दही बल्ले खाने दही बल्ले खाने तो इसीलिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके थोड़ी बहुत रखी थी तो चलिए फाइनली बना लेते हैं बच्चों के लिए दही बल्ले तो यहाँ पे लिए है मैंने दाल जो सुबह ही भिगोई है आज तीन घंटे के लिए ज़्यादा देर के लिए दाल नहीं भिगोनी चाहिए क्योंकि इसमें ना स्मेल सी हो जाती है फिर दही भल्ले बनाने में ना खाने में हल्की सी स्मेल आती है तो बस तीन घंटे बहुत रह गए तीन घंटे में काफ़ी फूल जाती है ये तो देखिए ये मैंने धो लिया अच्छे से तीन चार बार कम से कम वॉश किया अच्छे से और इसको अब मैं ग्राइंड करूँगी पीसूँगी तो देखिए पीसते टाइम ना ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा बारीक हमें पीसनी है तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है देखिए मैंने जार को ना काफ़ी ऊपर तक भर दिया है बट तो आप लोग ये चीज़ ना थोड़ा ध्यान रखिए मैंने बाद में खाली किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर तक मैंने सोचा कि ये पीस जाएगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया इधर उधर हो गया है तो बाद में देखिए मैंने खाली की है आधा ही जार रखा है तो थोड़ा कम कम करके ही पीसेंगे तो अच्छी पिसेगी बारीक पिसेगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में कभी हम पड़ जाते हैं ना तो काम ख़राब हो जाता है तो देखिए यहाँ पे पिस गई है बहुत ही ज़्यादा बारीक पिस चुकी है बहुत हाथ से थोड़ा सा अंगूठे से ना उंगली से लेके देख लेंगे थोड़ा सा दाना सा आएगा तो दाना सा आना नहीं चाहिए बहुत ही बारीक इसको पीसेंगे तो देखिए उतने ही सॉफ्ट हमारे दही बल्ले बन तैयार होंगे तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी और यहाँ पे लिए मैंने इमली और गुड़ और पानी ऐड किया है देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ आप अगर चाहें तो इमली का पल्प निकाल के तब चटनी बना सकते हैं उसमें गुड़ और पानी ऐड कर सकते हैं और इस तरी दोनों तरीके से बना सकते हैं तो चलिए चटनी मैंने बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने आप चाहें तो रिफ़ाइंड ले सकते हैं बाकी मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल सबसे बेस्ट है किसी भी काम के लिए यहाँ पर चटनी में डाल रही हूँ सफ़ेद नमक काला नमक और लाल मिर्च पाउडर तीन चीज़ मैंने ऐड की है ये आधी आधी चम्मच मैंने ली है आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं जितना चाहें तो चलिए यहाँ पर चटनी जब तक रेडी हो रही है यहाँ पर उबाल आ गया है चटनी में अच्छा उबाल आ गया देख सकते हैं आप तो ये मैंने सिम गैस पर ही छोड़ी हुई है मतलब तो चलिए अब यहाँ पे इसको इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं बैटर में और अच्छे से फेंटेंगे कम से कम पंद्रह मिनट फेंटेंगे इसको तब तक इसका जो है ना एकदम खमीर सा उठ के ऊपर आ जाता है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे करीब दस या पंद्रह मिनट के लिए फेंटेंगे तो देखिए फेंट लिया है मैंने अच्छे से और यहाँ पर उतार लेंगे इसके ये पकौड़ियाँ तो तो देखिए ये पकौड़ी हम सेकेंगे इनको भल्ले भी कह सकते हैं तो हमारी लैंग्वेज में दही भल्ले दही बड़े दोनों तरीके से कह सकते हैं तो छोटे छोटे बहुत उतार रही हूँ मैं देखिए अगर जितने छोटे होंगे ना उतने ही अच्छे से सीख पाएंगे अंदर तक तो मैंने गैस को किया हुआ है मीडियम टू हाई फ्लेम पर तो ये तभी अच्छे से सिकेंगे और तब सारे डालने के बाद थोड़ा सा लो एंड मीडियम कर देंगे आ, आ, मतलब नीचे से लो से लेके मीडियम के बीच में गैस रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा धीमे रखेंगे ना बहुत तेज रखेंगे तो बीच की रखेंगे तो यहाँ पर सेक लेते हैं हम दही भल्ले को अच्छे से ये भल्ले को सेकेंगे क्योंकि अंदर तक देखिए जब तक सेकेंगे नहीं ना अंदर तक बिल्कुल तो कच्चे रह जाते हैं ये अंदर तक तो बिल्कुल खाने में जब आप खाएंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कच्चे कच्चे से लगेंगे तो यहाँ पर मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से सेके हैं और साथ के साथ मैं डाल दूँगी पानी में क्योंकि साथ के साथ पानी में डालने का ये फ़ायदा होता है कि देखिए बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में तो देखिए एक बार मैंने सेक दिया और अब मैं डाल रही हूँ दोबारा से तो चलिए यहाँ पर चटनी का ये जो बैटर है ये रेडी हो चुका है ये गुड़ इमली और पानी जो हमने अभी उबाला था इसको सारी चीज़ों को छान लेंगे और देखिए जो बाद में ये जो बच जाएगा थोड़ा सा इसका इमली इसको मैं दोबारा से पानी डाल के अच्छे से इसका पल्प निकाल लेंगे और पल्प निकालने के बाद दोबारा दुआ से छान लेंगे और इस पानी को जो ये रेडी किया है हमने पूरा सारी चीज़ें डाल के इसको दोबारा से गैस पे रखेंगे अच्छे से इसको सारा पूरा निकाल लेंगे इसका पल्प इमली का तो देखिए यहाँ पर चटनी रेडी हो रही है इसको अच्छे से उबाल लेंगे काफ़ी देर तक कम से कम चटनी बनने में देखिए आधा घंटा पौना घंटा तो लग जाता है फोर्टी फाइव मिनट्स थर्टी मिनट्स के आसपास इसको लग जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करेंगे अच्छे से तब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए तो चलिए चटनी बन रही है इतनी देर में दही को फेंट लेते हैं और दही को भी बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे इसकी एकदम क्रीम सी जैसे कि हमारी व्हिप क्रीम होती है ना इस तरीके की देखिए रेडी कर लेंगे जो हम केक पर यूज़ करते हैं ना इस तरीके से वेब रीम की तरह ये क्योंकि ऊपर से जब इसकी गार्निशिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही भले लगते हैं और यहाँ पर लिए हैं कुछ मसाले मैंने देखिए यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है एक चम्मच और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है एक चम्मच वाइट वाला ये सफ़ेद नमक और काला नमक ये चार चीज़ें ही बस रखेंगे ऊपर से डालने के लिए तो चलिए अब यहाँ पर ये चार चीज़ें ले लिए हैं और अब रेडी कर लेते हैं दही भल्ले फाइनली आपको दिखाते हैं तो देखिए करीबन 20 मिनट बाद मैं बना के दिखा रही हूँ आपको 20 मिनट्स हो चुके हैं इनको भल्ले अच्छे से फूल गए सॉफ्ट हो गए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो देखिए यहाँ पर डाल रही हूँ दही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और जैसे हम रेड़ी पर खाते हैं ना एकदम बाहर जो स्ट्रीट फूड खाते हैं बिल्कुल इतना ज़्यादा टेस्टी ये बने हैं दही बल्ले आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इस तरीके से तो सारे मसाले ऐड कर देंगे तो देखिए फाइनली रेडी हो चुके हैं तो करिए इन्जॉय फाइनली दही बल्ले बन गए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं देखिए खिलाऊंगी जब जब आप लोग आएंगे घर पर मेरे घर पे आइए तो आपको मेरे हाथ के दही बल्ले मिलेंगे तो चलिए बच्चों का रेस्पॉन्स देखते हैं कि बच्चों को कैसे लग रहे हैं भगवान का भोग लगा दिया है तो चलिए देख तो सबसे पहले पूछेंगे वंशी से तो कैसे बने हैं तो ये देखिए आधी, आधी आधी प्लेट खाली कर दिए इन लोगों ने कैसे बने टेस्टी वेरी टेस्टी मानवी कैसे लग रहे हैं आपको तो गाइस ये स्कूल से आने के बाद ना इनको मिला है ये तो मैंने सोचा कि स्कूल से आ जाएंगे तो इनको खिलाऊंगी फिर वंश का रिस्पॉन्स देखते हैं वंश कैसे लग रहे हैं अंश ऐसे मिल रहा मजा आ रहा है कुछ भी पावे हैं अच्छे तो लग रहे हैं ना मजा तो आ रहा है ना हमेशा तो अच्छे लगते तो हम तो हमेशा थोड़े बनाए हैं इतने दिन बाद तो बनाए हैं आप जब भी बनाओ जब तुम्हें अच्छा ये चलो ठीक है तो ऐज़ फाइनली दही बल्ले बना के आ गई हूँ मैं अपने रूम में चलिए बच्चे खा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है काफ़ी टाइम के बाद आज हमने दही बल्ले बनाए हैं तो चलिए आपको ना कट करके दिखाती हूँ कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं बच्चे कह रहे हैं मम्मी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल मार्केट जैसे मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को अपने घर के तो देखिए बेटा तो ना घर की चीज़ें खाता है मेरे हाथ की खाता है उसको बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मैं बाहर ले भी जाऊँ उसको ज़बरदस्ती तो यहीं कहता है कि नहीं नहीं मम्मी आपके हाथ का ही खाना है तो आप ही बनाओ मेरे लिए तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एक अभी मैंने बच्चों के में से ट्राई किया था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आप लोग भी आ जाइए बहुत ही इजीली बिल्कुल कट रहे हैं और अंदर से ना इतने ज़्यादा अच्छे से के हैं ये बहुत ही बढ़िया देखिए बहुत ही अच्छे के हैं अंदर से और बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ इंजॉय करने दही बल्ले और आप लोग भी ट्राई करिए मेरे तरीके से और इन्जॉय करिए दही बल्ले बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और देखिए गाइज मैंने ना एक चीज़ और मतलब मैंने जो चटनी बनाई है उसमें इमली मैंने ना साथ के साथ ही सारी चीज़ें डाली हैं बट आप लोग ना अलग से भी बॉईल कर सकते हैं ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैं तो सबको एक साथ ही इस तरीके से कर लेती हूँ बाकी ये है कि अब आप इमली को बॉईल करके इमली का पेस्ट बना के अलग से उसको निकाल के तब चटनी बना सकते हैं आप मतलब उसका वो जो अर्घ सा निकलता है तो चलिए अब कर लेते हैं ब्लॉग का एंड ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी एंड नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय एंड सी यू अगेन